Adriya Nidesak NCERT Professor Rishikesh Senapati Ji. Respected Professor Nityanand Pradhan, Principal Regional Institute of Education, Bhopal. My colleague Dr. Abhay Kumar, who is the National Coordinator of this Educational Audio Video Festival and ICT Mela. My colleague Dr. Nitai Oja, co-coordinator of this National Level Educational Audio Video Festival and ICT Mela. Distinguished delegates, participants, students from RIE and DM School, my colleagues from CIET, media, ladies and gentlemen. First of all, my hearty congratulations to all those winners who have won the award, and also my hearty congratulations to all those who participated. Jeetna aur haarna, ye dono badi baat nahi hai. Sabse badi baat hai, kisi cheez mein hissa lena, bhaag lena, participate karna. अभी जीतने या हारने की नौबत आती है और यही है कि हम लोग जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने या हारने के लिए नहीं काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के बच्चे और अध्यापक और उनके माँ बाप उनके लिए काम कर रहे हैं और ये हम उम्मीद रखते हैं कि हम जितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर यहाँ मौजूद हैं और यंग स्टूडेंट्स जो मौजूद हैं हम बच्चों के लिए कार्यक्रम बनाएं और बनाते रहें तभी बच्चों तक देश देश भर में रूरल अर्बन सभी जगह में हम लोग पहुंच पाएंगे और हमारी संस्था जो कि एनसीईआरटी का एक घटक है पिछले 30 साल से ज़्यादा हम लोग एजुकेशनल ऑडियो वीडियो और मल्टीमीडिया पे काम कर रहे हैं और यही हमारा मकसद है कि आगे हम भी जो काम कर रहे हैं हर अध्यापक हर बच्चा हर पेरेंट्स इस काम में हाथ बटाए और ज़्यादा से ज़्यादा ई संसाधन जो है ये कार्यक्रम जो है इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम बनाए और बच्चों के साथ बांटे जो कि बहुत जरूरी है और खासकर जो है मैं श्री मुकेश खन्ना जी प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड एक्टर को स्वागत करता हूं इस सत्र में और साथ ही प्रोफेसर खंबायत का भी स्वागत करता हूं और जैसे मैं कह रहा था कि एनसीईआरटी का एक घटक होने के नाते हम लोगों का यही रिस्पांसिबिलिटी है कि शैक्षिक कार्यक्रम बनाए बच्चों के लिए बड़े तादाद में बनाए और अलग अलग माध्यमों से बच्चों तक टीचर्स तक पहुंचाए और जो कि हम करते आ रहे हैं लेकिन पिछले 22 साल से हम लोगों ने जो ये सभ्य दृश्य कार्यक्रम का ऑल इंडिया लेवल का जो फेस्टिवल है ये करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है मीडिया टेक्नोलॉजी रिलेटेड मटेरियल बनाने में वो आए ये नहीं है कि अगर पीडीएस जो हॉलीवुड बॉलीवुड में प्रोग्राम जैसे बनता है या इकबाल जैसे नसीरुद्दीन खान जी का है या हाल ही में आपने चौक और डस्टर देखा होगा तो जो कि शिक्षा व्यवस्था से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है और ऐसे कार्यक्रम जो है जरूर हमारे जो सोसाइटी में लोगों को जागरूक करने में बहुत मदद करते हैं लेकिन हमारे कक्षा में बच्चों को गणित विज्ञान भाषा और भी विषय जो है चाहे कला ये पढ़ाने के लिए हमें कार्यक्रम की जरूरत है जैसे अगर वोल्केनिक इरप्शन के बारे में बच्चों को अगर पढ़ाना है उनको दिखाने की भी इतनी जरूरत है कि ये होता कैसे और आज के डेट में अगर लाइव वोल्केनो की बात करें अंडमान निकोबार आइलैंड में एक ऐसा मोट वोल्केनो है जिसको बच्चे देख सकते हैं और जो है ज्योग्राफी पढ़ते समय भूगोल पढ़ते समय उसको जोड़ के उस कंसेप्ट को समझ सकें तो शैक्षिक कार्यक्रमों का यही उद्देश्य है जो क्लासरूम में जो भी गतिविधियाँ करने में सक्षम हम नहीं हो पा रहे हैं चाहे संसाधन की कमी के वजह से हो या शिक्षक या वातावरण में जो है ये जो है मौजूद नहीं होने के कारण हो तो अगर ऐसे
समस्याएं हैं तो शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से उसको पूरा किया जाना जरूरी है। मैं अगर एक विज्ञान के अध्यापक हूं, मुझे इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ाना है, तो ये तो मैं नहीं कर सकता हूं कि किसी के पास जाके एक किसी बॉडी का हिस्सा लाके क्लासरूम में दिखा सकता हूं। लेकिन वर्चुअल लैब एक्टिविटी के तहत, वीडियो के तहत, अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टर्स ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो उसको क्लासरूम में लाके दिखा सके, वर्चुअल लैब एक्टिविटी के तहत, वीडियो के तहत और ऑडियो कार्यक्रम और मल्टीमीडिया के तहत। तो यही हमारी शिक्षा व्यवस्था का जो है मुख्य उद्देश्य है, और आइए उसमें हाथ बटाए। और मैं अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है, खासकर मुकेश खन्ना जी के बारे में, कि उनकी जो एक्सपर्टाइज एरिया है, और मैं मेरा अगर बचपन या कॉलेज या स्कूल लाइफ के बारे में बात करूं, कि मैं जब 11th 12th में पढ़ता था, एनसीसी में था, और एनसीसी का पैरेड हमें संडे को ही होता था, तो हम लोग टीचर्स को रिक्वेस्ट करते थे हमारी पैरेड संडे को मत रखिए, और किसी दिन रखिए, ताकि हम महाभारत का सीरियल जो है वो देख पाए। तो हमें फिर सुबह जल्दी उठ के 6 बजे जाके पैरेड पूरा करते थे, और जितने तमाम सवाल एनसीसी से रिलेटेड है, चाहे जॉगिंग डिस्टेंस हो, मैप रीडिंग हो, या पेट्रोलिंग है, वो रेकी या प्रोटेक्टिव पेट्रोल हो, ये सारे बात पूछते थे पहले, फिर छोड़ते थे। तो इसीलिए उनसे काफी दिन से हम जुड़े हुए हैं, और हमारी ये सौभाग्य है कि हमारी इस मंच पर वो आए, और हमारे जो एक्सपर्ट हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, और जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे रूबरू हुए। मैं एनसीईआरटी के तरफ से और मेरे ओर से उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि हमारे और वो आए और हमारे ज्ञान बढ़ाए और मान बढ़ाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना कहकर रहता हूं क्योंकि आप लोग ज्यादा चाहेंगे कि उनसे सुने और हमारे निदेशक साहब से सुने।